तरह की फॉर्म तो आपको भी मिलती होगी, क्या आप इसको फेंक देते हैं? ये जब हम शॉपिंग करते हैं कपड़ों में या सूट वगैरह साड़ी वगैरह खरीदते हैं तो उसमें ये वाली फॉर्म आती है, या हम घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो उसमें भी ये वाली फॉर्म आती है, इसको हम बेकार समझ करके फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके कई तरीके बताऊंगी कि इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला बात करेंगे हम अपनी शू रैक की। ये देखिए शू रैक में कितने भी हम चप्पल जूते भर करके रखते हैं लेकिन फिर भी जगह की हमको बहुत परेशानी होती है, काफ़ी सारे जूते हमारे बाहर रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों के हों या ऑफिस वालों के दो दो तीन तीन जोड़ी होते हैं हम सब के, तो रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ सब रखे हुए हैं लेकिन अभी हम इसमें और भी जगह बना सकते हैं, वो कैसे? तो देखिए अगर हम जूते, ये वाली जो हमारी जगह है खाली पड़ी है ये देखिए, और यहाँ पर शूज़ भी रखे हुए, तो सोचेंगे हम कहाँ रखेंगे। अगर जूतों को हम इसके एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे तो जो जूतों की धूल मिट्टी होती है वो नीचे वाले जूतों के ऊपर लग जाएगी और वो हो जाते हैं गंदे। तो इससे बचने के लिए इससे एक बढ़िया सी ट्रिक है, जो हम अपनी फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे उस फॉर्म को हमें यहाँ पे लेना है और उसको हमको टुकड़ों में कट कर लेना है, जैसे कि जितने सूज हैं, छोटे सूज हैं बड़े सूज हैं उस हिसाब से हमको इसको कट कर लेंगे। अब देखिए टुकड़ों में हमने इसको कट कर लिया है और ये सूज है, इसके ऊपर हम इस फॉर्म को इस तरह से लगा देंगे और अब हम दूसरे वाले सूज को इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए ये वाली जगह भी हमारे काम में आ गई और नीचे वाले जूते जो हैं वो भी गंदे नहीं होंगे। इसी तरह से हम दूसरा टुकड़ा हमने कट किया था ये इसके ऊपर रख देंगे और दूसरे वाले जोड़ी जूते हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए जगह भी हमारी काम आ गई जो ऊपर से खाली थी और हमारे शूज जो जूते चप्पल हैं वो भी गंदे नहीं होंगे धूल मिट्टी से। और इस तरह से हम अपने देखिए तीन चार जोड़ी जूते हमने इसके ऊपर रख दिए हैं और ये फुल हमारे सारे जूते चप्पल इसके अंदर आ गए हैं। आप इस अगर जैसी भी आपकी शू रैक हो और इस तरह से जगह है और रखने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से, और इस फॉर्म की जगह आप जो मिठाई के डब्बे होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं, बस ऊपर एक डब्बा रखिए और ऊपर से सूज रख दीजिए। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी? चलते हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक है हमारी चूड़ियों को लेकर के। देखिए हम किसी भी डब्बे में इस तरह से चूड़ियाँ रखते हैं तो ये चूड़ियाँ देखो एक तो बिखरी हुई है, आपस में मिक्स हो जाती है, जब हमें कहीं जाना होता है जल्दबाजी में तो हमें जल्दी से अपनी चूड़ियाँ मिल भी नहीं पाती हैं, और एक दूसरा रीजन इनका टूटने का भी डर रहता है कि डब्बे को कभी इधर से उधर कर देते हैं बच्चे हो या बड़े, हम ही लोग इधर से उधर रखते रहते हैं तो टूटने का बड़ा डर रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी फोम थी इसको हमें जितना बड़ा डब्बा है उसके हिसाब से इसको हमको कट कर लेना है, लंबाई में हो या चौड़ाई में, अगर बड़े बॉक्स में आपने चूड़ियाँ रखे तो उसके हिसाब से। तो मेरा ये छोटा बॉक्स है तो मैं इसमें से इसको कट कर लूँगी बीच से। देखिए मैंने ये अपने दो से तीन टुकड़ों में कट कर लिया है क्योंकि जितनी ज़्यादा चूड़ियाँ हैं उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। अब करना क्या है, एक कोई भी टुकड़ा हम लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, एकदम टाइट से इसको फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है राउंड राउंड में। अब हमें अपनी चूड़ियों को निकाल लेना है एक बार बाहर और जो ये चूड़ियां है हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे ये देखिए, और ये बड़ी सेफ रहेंगी, न टूटने का डर रहेगा। ये देखिए इस तरह से हम चूड़ियां इसके अंदर डाल देंगे पूरा जितना भी हमारा सेट रहता है और इस तरह से हम बॉक्स में रख देंगे। इसमें और भी चूड़ियां आ सकती हैं तो इसी तरह से जितनी हमारी चूड़ियां हैं उन सबको हम इसी तरह से इस फॉर्म को राउंड राउंड करके बना लेंगे और इसके अंदर हम चूड़ियां रख देंगे। तो इस तरह से लगा करके फॉर्म में अपनी चूड़ियों को सेव कर सकते हैं। कहीं आपको सफर में भी ले जाना पड़ता है चूड़ियों को, शादी ब्याह फंक्शन में कहीं ना कहीं तो हम बाहर जाते ही हैं, तो इस तरह से आप अपनी चूड़ियों को
सेव करके ले जा सकते हैं। तो आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तरह। देखिए इस तरह के पेपर बैग अक्सर घर में आ ही जाते हैं, कपड़े उपड़े लेकर आते हैं हम तो किसी न किसी चीज में इस तरह के पेपर बैग घर में आ जाते हैं, और ये काफी मजबूत होते हैं ये वाले पेपर बैग। और इसको हम एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना करके इसको हम काम में ले सकते हैं फेंकने की बजाय। तो करना क्या है, देखिए इस तरह का कोई भी पेपर बैग हो तो हमें इसको हाफ हाफ कट कर लेना है। ये जितना बड़ा है उसका बीचों बीच हम हाफ हाफ इसको कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने इसको कट कर लिया है, तो इसको हम करेंगे अब अच्छे से स्वैप। ये इस तरह से कुछ पेपर बैग होता है। अब इसको थोड़ा सा और हम मजबूत बना देंगे, जो हमने ये कट किया था ये हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। देखिए ये हमारा डल गया है। इसको हम या तो टेप की मदद से चिपका सकते हैं या ग्लू वगैरह से इसको अंदर से बाहर से इसको इस तरह से हम सेट कर देंगे। जो इसके पकड़ने वाले हैं इसके हैंडल को हम कट कर देंगे। मैं इसको टेप से ऊपर से चिपका ले रही हूँ, चाहे आप फेविकोल ग्लू से भी इसको चिपका सकते हैं, ये अच्छे से चिपक जाएगा। मैंने यहाँ पर टेप से इसको चिपका लिया है, किनारे किनारे टेप अच्छे से चिपका ली है 3-4 बार कट करके। और देखिए इस तरह से टेप से, और ये काफ़ी मजबूत हो गया है। अब आप इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं, घर में बहुत सारे छोटे मोटे सामान होते हैं, चाहे आप इसमें मोजे हैंकी कैप वगैरह कुछ भी इसमें ऑर्गेनाइजर करके अलमारी में कहीं भी रख सकते हैं। बार बार हमको इसको निकालना रखना तो है नहीं, अलमारी में एक जगह ये रखी रहेगी और काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा। मैं इसमें आपको कपड़े भी डाल करके दिखा रही हूँ, काफ़ी सारी टी शर्ट वगैरह इसमें आ सकती हैं। देखिए इस तरह से इसमें बना करके अपनी टी शर्ट वगैरह रख सकते हैं या कोई भी सामान रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है टी शर्ट ही आप रखें, घर में बहुत सारा सामान होता है और अलमारी में स्पेस की भी दिक्कत रहती है। तो आप इस तरह से इस पेपर बैग को न फेंक करके इस तरह से अपना ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और बनाना ये कितना आसान है, कितना इजी है बिना एक पैसे खर्च किए हुए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी मैं आपको जल्द ही एक और नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।